हमें 103 BHP वहीं थार में हमें कहीं से कहीं तक आप इसको थार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अपने एक अलग सेगमेंट की कार हो गई, एक अलग हो गई। 15 इंच स्क्रब जो गंदगी होगी वो ये केवल शो। हेलो भाइयों, मैं हूँ मनी गंगवार और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। भाई आज अपने सामने खड़ी है मारुति मोस्ट अवेटेड कार जिम्नी। भाई ये ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में 3 डोर में बहुत पहले से ही धमाल मचा रही है। आज की कीमत मतलब बहुत पहले से, और वहाँ पर 3 डोर में ही पसंद भी की जाती है, लेकिन कहीं से कहीं तक कंपनी का मन 3 डोर के साथ इंडिया में लाने का नहीं था इसे, इसीलिए कंपनी ने 5 डोर के साथ इसे लॉन्च किया और यहाँ पर लाए हैं। बाकी अगर मेनली मैं इसकी बात करता हूँ, इसका मेन कंपटीशन है किससे? भाई अगर मैं इसकी कंपटीशन की बात करता हूँ, लोग इसे कंपेयर किससे कर रहे हैं? थार से। भाई थार से कंपेयर करना मुझे कहीं से कहीं तक इसे ठीक नहीं लगता है। तो थार एक अपने अलग सेगमेंट की कार है और ये अपने में एक अलग सेगमेंट की कार है। क्यों? भाई थार 4x4 आपको एक तो डीजल में भी मिल जाती है, ऊपर से अगर मैं थार की विड्थ की बात करूँ तो आपको देखने को मिलती है 1820 mm। भाई अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ तो इसकी विड्थ हमें देखने को मिलती है 1645 mm। भाई अगर इंजन की बात कर लूँ, भाई थार में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जबकि इसमें हमें मिलता है 1.5 लीटर का 1.5 लीटर। इसमें हमें 103 bhp, वहीं थार में हमें 150 bhp। इसमें 134 nm का टॉर्क, उसमें 300 nm का टॉर्क। मतलब कहीं से कहीं तक आप इसको थार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अपने एक अलग सेगमेंट की कार हो गई, एक अलग हो गई। और वहीं अगर हम थार की बात करें, वो एक अपनी अलग उसकी वैल्यू है, वो अपनी जगह वो भी ठीक है और ये अपनी जगह ठीक है। तो कहीं से कहीं तक इनमें हमें दिक्कत नहीं आती है। बाकी अगर इस कार की मैं फ्रंट से बात करता हूँ, भाई बहुत छोटी सी, मतलब पहले तो इसकी हम विड्थ की बात कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ हमें देखने के लिए मिलती है 1645, 1645 mm। भाई आप सामने से देखेंगे ना, विड्थ इसकी कम क्यों है? क्योंकि ऐसा है ना, कंपनी ने कुछ भी कर्व्स नहीं दिए हैं कि इसकी बढ़ाई, बिल्कुल स्ट्रेट इधर से आप देखेंगे बिल्कुल एक कट करके निकाली हुई उस टाइप की कार हमें कुछ देखने के लिए मिलती है। बाकी आप सामने से देखेंगे ना, तो इसमें हमें यहाँ पर नॉर्मल देखेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलती है, वही हेलोजन बताई जा रही है। बाकी यहाँ साइड में हमें DRL भी देखने के लिए मिलती है, वहीं यहाँ पर हमें हेलोजन में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भाई अलग करामात क्या की गई है? अलग करामात ये की गई है, आप देखेंगे वॉशर यूनिट किसके लिए? भाई हेडलाइट के लिए वॉशर यूनिट दोनों साइड हमें देखने के लिए मिल जा रही है, जो कि इसमें एक अलग ही काम कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। बाकी अगर मैं इसमें फ्रंट से बात करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ अलग ही ग्रिल, यहाँ पर सिल्वर फिनिश और भाई यहाँ पर क्रोम, जो कि इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहा है। भाई सामने से बहुत प्यारी लग रही है। भाई हमें नीचे इसमें फॉग लैंप्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हमें 2 मॉडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एक टॉप एंड वेरिएंट आएगा और एक लोअर वेरिएंट आएगा। अगर मैं इसके टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ, जो कि अल्फा नाम से आता है, हमारे सामने खड़ा हुआ है ऑटोमेटिक में, वहीं इसका जो वेस्ट वेरिएंट है वो जीटा नाम से आता है। वहीं ये 4x4 में आ रही है, जो कि कंपनी इसे बोल रही है ऑल ग्रिप बोल रही है। वहीं अगर सामने से हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो हमें चाहिए होता है एयर पास होने के लिए, वो यहाँ पर हमें क्योंकि कंप्रेसर को ठंडा होने के लिए वो यहाँ देखने के लिए मिल जाता है स्पेस। बाकी भाई नंबर प्लेट की अगर जिम्नी लिखा मिल जाता तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। बाकी आप इसकी हाइट देखिए, मतलब हाइट देखिए भाई, ये मैं यहाँ हूँ मतलब किस हाइट पे है, बहुत बढ़िया भाई। मेरी 6 साइज मतलब 6 फिट हाइट है, अप्रॉक्सीमेट 5'11". तो आप देखिए कितनी बढ़िया भाई, बहुत हाइट है कार की, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी एनहांस हो रहा है। और भाई ये मार्केट में धमाल भी मचाने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी चलिए मैं इसके साइड में आता हूँ, फ्रंट तो कुछ इस तरह से था। अगर मैं इसके साइड में बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं टायर की बात करता हूँ, तो टायर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है भाई 195/80R15 15 इंचेस के हमें इसमें टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे मेन बात, जो अलॉय हमें इसमें दिया हुआ है, भाई कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है, हमें स्टेपनी में भी सेम अलॉय के साथ टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाता है। भाई आप यहाँ पर देखेंगे जो इसके आपकी क्लैडिंग दी हुई है भाई मैट फिनिश के साथ ब्लैक में, ऊपर से आप ये चीज़ देखिए इसकी चौड़ाई देखिए, मतलब काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर भी देखिए ये चीज़ काफ़ी बाहर को निकाली हुई है, जिससे ना ये जो मडी एरिया, क्योंकि भाई इसका मेन काम क्या है, ऑल ग्रिप 4x4 बनाया गया है इसे। अब 4x4 बनाया गया तो 4x4 मिट्टी में तो चलेगी ना, तो पीछे की तरफ जो गंदगी होगी वो इसके थ्रू रुकी रहेगी और पीछे नहीं आएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया सीन हो जाता है। बाकी अगर मैं इसमें और बात करता हूँ तो आप देखेंगे इंडिकेटर हमें इसमें फ्रंट फेंडर पर देखने के लिए मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया भाई इसका ये ग्रीन टाइप का जो कलर है ना, काफ़ी बढ़िया लग भी रहा है। बाकी अगर मैं इसके ORVM की बात करता हूँ, तो भाई हमें इस तरह से ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं इनके एडजस्टमेंट की बात करता हूँ, तो भाई बिल्कुल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक करामात जो और करी है कंपनी ने, आप इसे देखिए, ये रूफ़ है, लेकिन रूफ़ पे अलग से ये पोर्शन जो निकाला है, मतलब यहाँ से जब पानी आएगा ना तो इसके थ्रू आगे निकल जाएगा, या फिर इस टाइप
आगे जाके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं गिरेगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया सीन है इसका। तो साइड भाई इतनी लंबी हमें देखने के लिए मिल रही है, तो इसकी लेंथ है कितनी? इसकी लेंथ हमें देखने के लिए मिल जाती है 3985 mm। भाई अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ, भाई हाइट इतनी है कार की, ऊँची इतनी है, यूज़ कहाँ होना है इसका भाई? ऑफ रोडिंग में यूज़ होना है, पहाड़ों पर चलनी है भाई, पत्थरों के बीच चलनी है कार। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है 210 mm, बहुत बढ़िया। वहीं अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूँ तो 2590 mm, 2590 mm हमें इसका व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। बाकी भाई जो सबसे बढ़िया चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ना, ये स्पेस देखिए, गैप देखिए भाई, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहीं से कहीं तक आपको जो आप इसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मारुति ने ना पूरी तरह से इंडियन कस्टमर्स का ध्यान रखा है, इंडियन कस्टमर को कहीं से कहीं तक कोई निराशा नहीं होगी इस कार को लेने के बाद, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर इसको पुश बटन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि पुश बटन स्टार्ट है कार हमारी। कीलेस एंट्री हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है, और ये कीलेस एंट्री हमें बोथ साइड देखने के लिए मिलती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। और यहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ की लगाने का, ये भी हमें बोथ साइड देखने के लिए मिलता है। चलिए तो कुछ इस तरह से था कार। और बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती कितनी है इसकी, तो हम उसकी बात करते हैं। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है, और भाई ओनली पेट्रोल वेरियंट, पेट्रोल के अलावा किसी में भी नहीं आएगी, ओनली पेट्रोल वेरियंट हमें इसका ये देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है भाई। इस तरह से था साइड का, चलिए और तो कुछ नहीं रह गया, ऑल ओके। बाकी हाँ, नीचे आप क्लैडिंग देख सकते हैं भाई। भाई ये जो नीचे क्लैडिंग है ना, क्लियरली कंपनी ने इसे बोला है आप इस पर पैर रखकर खड़े नहीं होंगे वरना ये टूट जाएगी, ये क्लियरली कंपनी ने बोला हुआ है। ये केवल शो के लिए आपको देखने के लिए दी गई है, केवल लुक को एनहांस कर रही है और मडवट से बचा रही है। इस पर खड़े होने के लिए क्लियरली मना किया गया है, वेट आप इस पर नहीं लगाएंगे। अगर जो मैं बात कर रहा था कि पैर नहीं लगाएंगे, तो उसका सीन क्या है तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए कंपनी ने क्लियरली यहाँ पर बोला हुआ है कि इस पे पैर रखना, इस पे वजन लगाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था, बाकी इंटीरियर की भी बात अभी करेंगे, तब तक हम लोग पीछे आ जाते हैं। अगर मैं पीछे की बात करता हूँ भाई, पीछे की बात मैंने पहले ही कहा था आपसे, अलॉय व्हील मिल रहा है, स्टेपनी में भी अलॉय व्हील मिल रहा है, कॉस्ट कटिंग नहीं की है कंपनी ने। वहीं पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर रियर डिफोगर, वॉशर यूनिट, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर, मतलब सब फीचर लोडेड कार है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी यहाँ से पुच्चू सा उठा हुआ भाई रेगुलर एंटीना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। बाकी ऑल ग्रिप की वेजिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जिसे कंपनी ऑल ग्रिप बोल रही है, बेसिकली वो 4x4 है हमारा। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर जिमनी की वेजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर रिकर्स सेंसर भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ओपन कर लेते हैं बूट को, और बूट को भी देखते हैं। भाई अगर मैं बूट की बात करूँ इस कार के, तो आप देखिए, आप थार ले लीजिए, इसका मेन कंपैरिजन है किससे, मतलब मेन हम इसे कंपेयर करते किससे, थार से करते हैं महिंद्रा की। भाई उसमें कभी भी इतना बूट स्पेस नहीं मिलता है, ऊपर से वो कह रहा है अपनी 3 डोर है, अभी तक तो 5 डोर आई नहीं है, तो 3 डोर थार है, उसमें भी हमें इतना बूट स्पेस नहीं मिलता है जो कि हमें 5 डोर जिमनी में देखने के लिए मिल रहा है। नंबर्स में अगर मैं बात करूँ तो कितना मिल रहा है, 208 लीटर। भाई 208 लीटर मिल रहा है, बहुत बढ़िया बूट स्पेस हो जाता है, क्योंकि एक सब 4 मीटर कार है भाई, 3985 mm इसकी लेंथ है, सब 4 मीटर कार में 208 लीटर, बहुत बढ़िया बूट स्पेस हो जाता है, क्योंकि एक 4x4 व्हीकल है। बाकी भाई मैं इधर बात करता हूँ ना, इन्फ्लेटर लगाने के लिए हमें 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये लाइट, अभी यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड नहीं हुआ होगा, हेडर लगा है, यहाँ पर हमें एक बूट लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी करामाते देखिए भाई, अब ये सीट्स लगाने के लिए दिया हुआ है, ये ब्लैक भी दे सकते थे लेकिन नहीं, बॉडी कलर दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। बाकी आप इन सीट्स को टंबल कर सकते हैं, बूट स्पेस को और भी बढ़ाया जा सकता है ईजिली यहाँ से टंबल करके, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक। बाकी यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से इसे कवर किया गया है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, और इस तरह से ये करा गया है ना, ये इसलिए ताकि आपका सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और ये प्लास्टिक है, दब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसे यहाँ पे इस तरह से मैनेज किया गया है। चलिए बंद कर लेते हैं इसे। भाई बहुत हैवी लग रहा है, मारुति ने इस बार बिल्ड क्वालिटी पर भी काम किया है इसकी, कहीं से कहीं तक आपको बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा इसकी। चलिए तो कुछ इस तरह से था इसका रियर सीन, और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर नेक्सा की वेजिंग तो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नेक्सा प्रोडक्ट है ये। चलिए तो कुछ इस तरह से था रियर सीन, अब आते हाँ भाई ये कैसे रह गया। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हैलोजन में ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी आप ध्यान से देखिए भाई, तो यहाँ पर हमें कैमरा भी देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह से ये हमें यहाँ पर कैमरा भी देखने के लिए मिल रहा है, टॉप एंड वेरिएंट है ये, क्योंकि चलिए
और बाकी 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर 1, 2, 3 एंड 4 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कि भाई आप यहाँ पर देखिए जो मैं कह रहा था, को ड्राइवर साइड भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर और की के लिए ऑप्शन मिल जाता है। चलिए तो कुछ इस तरह से था गाड़ी का 360 व्यू, बाकी तो ऑल ओके हो गया, कुछ भी कमी नहीं रह गई है भाई। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं, इंटीरियर को देखते हैं कार के। कार के पहले बैक में आ जाते हैं, फिर हम फ्रंट में चलेंगे। अगर मैं बैक साइड डोर की बात करता हूँ तो भाई रियर के लिए पावर विंडो के स्विच हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ये अपने डोर हैंडल्स हो गए, क्रोम में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी भाई ग्रिप आपको ये है क्या, मतलब टफ एकदम ऑफ रोडिंग के लिए बनाई हुई कार है तो इस तरह की ग्रिप मिलना भी बहुत ज़रूरी है। भाई पतले से डोर दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि अंदर पहले ही विड्थ कम है कार की और अंदर भी स्पेस बढ़ाया गया है, इसीलिए इसके पतले डोर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। चलिए बाकी यहाँ मैं देखता हूँ तो हमें एक स्पीकर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और कुछ इस तरह से रियर डोर को करा गया है डिज़ाइन। चलिए बाकी कार के अंदर आते हैं। भाई कार के अंदर आते ही अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, काफ़ी सही अंडर थाई सपोर्ट भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। रियर साइड अगर मैं हेडरेस्ट की बात करता हूँ, दोनों ही हमें एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। और बेसिकली ये 4 सीटर कार है, 5 सीटर इससे कंसीडर नहीं किया जाता है, 4 सीटर। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो हम्प भी काफ़ी हद तक निकला हुआ है तो 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बीच वाले को बहुत दिक्कत होने वाली है, इधर उधर पैर करके ही बैठना पड़ेगा। कुछ इस तरह से था सीन यहाँ का। चलिए बाकी आप एक चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं, रियर में हमें यहाँ पर एक लाइट भी, केबिन लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, तो कुछ इस तरह से सीन रहता है यहाँ। चलिए अब कार में आगे चलते हैं और आगे से देखते हैं कार। बाकी भाई अगर हम ड्राइवर साइड गेट की बात करते हैं, वो भी हमें बिल्कुल पतला था, यहाँ पर कोई भी हमें पावर विंडो के स्विच देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्यों? विड्थ बहुत कम है, गेट को बहुत पतला रखा गया है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता है इन चीज़ों को, इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्पीकर हमें देखने के लिए मिल जाता है, बॉटल होल्डर हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है, कपड़ा पेपर ये सब चीज़ें हम यहाँ पर रख सकते हैं ईजिली। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो डोर हैंडल हमें क्रोम में देखने के लिए मिल जाता है, बाकी गेट को पकड़ने के लिए भाई ये ग्रिप चाहता है व्यक्ति, क्योंकि ये बहुत बढ़िया, मतलब जिस गाड़ी में मिल जाती है कॉन्फिडेंस आपका अलग से बिल्ट हो जाता है जहाँ पर आपको एक ग्रिप देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सीन रहता है। चलिए बाकी अंदर से कवर करते हैं। भाई इस कार के अंदर आते हैं, सबसे पहले मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करता हूँ। अगर ड्राइवर साइड सीट में मैं इसके बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट, भाई बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है। वहीं जो मारुति की सीट्स आप देखेंगे, ये स्कूप्स भाई इतने ऊंचे हेडरेस्ट, वो भी एडजस्टेबल, ये चीज़ें मारुति ने बहुत सुधारी है भाई, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप यहाँ देखेंगे तो रिक्लाइन एंगल हम यहाँ से इसका सेट कर सकते हैं। चलिए और बाकी आप देखेंगे तो फ्यूल लिट को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी ऑल ओके है इधर का, अब इधर बात कर लेते हैं। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो हमने बात की थी हेडलाइट वॉशर, वो यहाँ से हम कर सकते हैं हेडलाइट को वॉश करना, यूनिट देखने के लिए मिलती है हमें आगे। हेडलाइट लेवलर हमें यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं ORVMs के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल। बाकी पुश बटन स्टार्ट है का, यहाँ पर हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है विद क्रोम के आउटलाइन के साथ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगता है। चलिए कार के अंदर बैठते हैं, अंदर से कवर करते हैं। भाई अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमें 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कापले के साथ मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये मारुति का। भाई अगर आप सेंट्रल कंसोल देखेंगे इसका तो ये कुछ जिप्सी टाइप का, मतलब काफ़ी बढ़िया, लिटरली एक अलग से ही आपको काफ़ी बढ़िया फील देने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो फ्रंट डिफॉगर रियर डिफॉगर के हमें यहाँ पर मिल जाते हैं स्विचेस, ये हमारे मोड्स के लिए हो गया और ये ऑटोमेटिक एसी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, ये इनर सर्कुलेशन के लिए हो गया। बाकी ये यूनिट ना अलग से ही मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी बढ़िया यूनिट हमें ये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ये टिकटॉक हैजार्ड हो गया अपना, बाकी ये भाई एसी के, मतलब अलग ही काम किया, अलग कलाकारी की गई है चीज़ों की। आप ये देखेंगे ना एसी यूनिट्स, ये अलग से ही एसी वेंट, काफ़ी बढ़िया विद क्रोम फिनिश, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जो कि देखने में। बाकी अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये हैंड भाई ऑफ रोड रफ एंड टफ, ये चीज़ें तो दिखानी है, ये स्पेस थोड़ा सामान वामान रखने के लिए, ये काफ़ी बढ़िया, मतलब अलग से ही आपको काफ़ी अच्छा फील आने वाला है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ग्लव बॉक्स की, तो भाई कोई कूल नहीं, कुछ नहीं, सादा है लेकिन ठीक ठाक हमें स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इधर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, ड्राइवर साइड विंडो अप डाउन का हो गया, ऑटो में मतलब ऑटो अप ऑटो डाउन हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए हो गया और ये इस साइड की विंडो के स्विचेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह से था। बाकी ये टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक, तो उसका हमें ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ भाई ये लीवर मारुति में नया ऐड हुआ है, 4x4 कार है मारुति की, तो वो लीवर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इधर बात करते हैं तो आप पीछे की विंडो के स्विचेस हमें यहाँ मिल जाते हैं, दोनों पावर विंडोज हैं पीछे की भी। बाकी ये चाइल्ड सेफ्टी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें 2 कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी हैंड ब्रेक अपना ये हो ही गया। चलिए अब आगे आते हैं।
भाई सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, बाकी हमें डे नाइट देखने के लिए मिल जाता है IRVM, कोई भी ऑटो देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर इधर बात करता हूँ तो वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है भाई, बहुत बढ़िया। और इधर बात करता हूँ तो भाई यहाँ भी वैनिटी मिरर, लाइट नहीं मिलती लेकिन काफ़ी बढ़िया वैनिटी मिरर दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं तो भाई ये माइक हो गया, क्योंकि इंफोटेनमेंट में आपके ये वॉइस कमांड कह रहा हूँ भाई, मतलब नॉर्मली जो कॉलिंग फीचर्स होते हैं उसके लिए माइक ये हो गया, बाकी ये केवल लाइट हो गई और IRVM हो गया। तो कुछ इस तरह से था इंटीरियर। बाकी भाई इंटीरियर में आप आगे डैशबोर्ड देखेंगे ना तो कुछ खास स्पेस नहीं है, क्योंकि रफ एंड टफ ही उसकी कार है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है चीज़ों को, काफ़ी बढ़िया भी लग रही है कार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइड में एसी वेंट कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से था कार का इंटीरियर, वहीं आप इधर भी देख सकते हैं और इस तरह से इसे घुमाने का भी है, यहाँ से हमें तो इससे इस तरह से टर्न जिस तरह से चाहें उस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से था सीन इसका। बाकी ये भाई MID हमारा, MID में अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये अपना हो गया टैगोमीटर, इधर हो गया स्पीडोमीटर भाई, नॉर्मल एनालॉग भाई होना भी चाहिए, नॉर्मल जो रफ एंड टफ यूज़ आपको चाहिए ना, एकदम फील आना चाहिए, वो एनालॉग से ही आएगा आपको। बाकी आप इधर देखेंगे तो इधर हमारे वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, और इधर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं किसके हेडलाइट्स की कंट्रोल, जो कि हमें ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलती हैं। बाकी अगर मैं इधर बात करता हूँ स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर हमारे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स हो गए भाई, और यहाँ पर ही हमारे कॉलिंग फीचर्स के कंट्रोल हो जाते हैं। अगर मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ तो भाई टिल्टेड है, टेलीस्कोपिक नहीं है, केवल टिल्टेड स्टीयरिंग हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। टेलीस्कोपिंग भाई सभी कुछ दे दिया था तो हमें टेलीस्कोपिक भी दे देते, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस तरह से था कुछ इंटीरियर अपनी जिमनी का। चलिए बाहर चलते हैं और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस और सेफ्टी की बात करते हैं भाई। कुछ इस तरह से हैं अपना जिमनी का इंजन, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिटिंग कैसे की गई है, बाकी इतने रिफाइंड इंजन है ना, ऊपर कवरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही इतने रिफाइंड इंजन मारुति आजकल बना रही है भाई। अगर मैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो सेफ्टी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, बाकी तो अगर ब्रेक की बात करूँ भाई तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक और वहीं रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। वहीं भाई 6 एयरबैग आप देख रहे हैं, मारुति में हमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर हो जाता है। बाकी अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूँ तो भाई इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि 103 VHP की पावर और 134 NM का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाता है। बाकी आपके भाई इसके टायर की मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, ऑफ रोडिंग के लिए एक कार बनी हुई है, तो आप इसके टायर पे ये चीज़ ईजिली मैंशन की गई है, आप देख सकते हैं भाई मड और स्नोकली क्लियरली लिखा है लोगों ने इस पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है M+S, मतलब मड और स्नो के लिए ये टायर बने हुए हैं। लेकिन फिर भी आप इसे मार्केट में आने दीजिए ना, ऐसे ऐसे आपको इनोवेशन इसमें ऐसे ऐसे काम होते हुए देखने को मिलेंगे ना, निकल पहले पाएगी का बाद में पाएगी निकल, पहले पहुंच जाएगी करोल बाग। और इसके क्या होंगे मॉडिफिकेशन, एक ज़बरदस्त कार बनने वाली है भाई, इसमें पता नहीं कितने कितने इंचेस के अलॉय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वैसे भी मारुति यार, क्योंकि आप वैल्यू फॉर मनी चीज़ जोड़ रहे हैं ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई, वैल्यू फॉर मनी इज़ बेस्ट, मतलब इससे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक। क्योंकि आप थार लेते हैं तो 18-20 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं भाई, मारुति से आपको एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एक सस्ते की, भाई मारुति इसका एक्सपेक्टेड प्राइस भी 9-13 लाख रुपए बोल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और भाई मारुति की सर्विसेज पार्ट्स वो तो ऑलरेडी इतने रीजनेबल प्राइस में हमें मिलते हैं ना, उसको तो हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। तो इस तरह से थी हमारी जिमनी, और जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।